और इस समय सबकी नजर मुंबई के पीएमएलए कोर्ट पर है। पिछले करीब ढाई घंटे से कोर्ट में जिरह चल रही है। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी की डिमांड की है। नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में दावा किया है कि ईडी को घर से कुछ नहीं मिला। ईडी की ओर से पेश एएसडी अनिल सिंह का कहना है कि मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूरे सबूत हैं। इस बीच शरद पवार की सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ फैसला सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत में लिया जाएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।